enzyme-linked receptor. Our today's topic is about. अभी ये टॉपिक क्या बता रहा है कि ऐसे रिसेप्टर्स जो एंजाइम के साथ लिंक्ड होते हैं. क्या मतलब? अभी ये आपके रिसेप्टर हैं पूरा, जो कि इंटरनली इंट्रासेलुलर जो है वो एक एंजाइम टायरोसिन काइनेज के साथ लिंक है. गॉट? ये इसका अंडरस्टैंडिंग हुआ. अभी जो एंजाइम लिंक रिसेप्टर्स हैं इसके तकरीबन हमारे पास अल्फा और बीटा सब यूनिट्स हैं. गॉट? तो इन यूनिट्स के थ्रू ये क्या काम करते हैं कि अल्फा सब यूनिट के साथ जो हैं ये पहले सेपरेट होते हैं. अल्फा और बीटा आपस में सेपरेट होते हैं. ये अल्फा ये बीटा सेपरेशन इनके आपस में होती हैं. फिर क्या होता है कि जैसे ही कोई आपका लिगेंड यहाँ पर इन सपोज कीजिए इंसुलिन जब बाइंड करेगा, तो बाइंड करने के बाद जो अल्फ़ा यूनिट्स हैं और बीटा यूनिट्स हैं ये आपस में नज़दीक हो जाएंगे, एक डाइमर बनाएंगे. गॉट? डाइमर जब बनेगा तो डाइमर के बनने के बाद बीटा जो यूनिट है यहाँ पर जो इंट्रासेलुलर टायरोसिन रेजिड्यूज हैं ये अपने ऊपर, इसको बोलते हैं ऑटो फॉस्फोराइलेशन. ऑटो फॉस्फोरिलेशन क्या करेगा? ये अपने ऊपर ही जो बीटा यूनिट के टायरोसिन रेजिड्यूज हैं इसको ये अपने ऊपर फॉस्फोरिलेशन करवाएंगे. जब ये खुद फॉस्फोरिलेट यानी कि इसके ऊपर फॉस्फेट एडिशन हो जाएगी, फिर ये दूसरे जो मॉलिक्यूल्स हैं इससे के अंदर उनकी जो नेक्स्ट मॉलिक्यूल्स होंगे इंट्रासेलुलर उनको फॉस्फोरिलेट करवाएंगे. सपोज़ यहाँ पर आप लोगों के सामने जो गिवन है IRS इंसुलिन रिसेप्टर जो सबस्ट्रेट है आपके सामने, ये क्या करेगा? टायरोसिन काइनेज एंजाइम जो है जब ये एक्टिवेट हुआ तो फिर ये इन रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करवाएगा, मज़ीद इन कंपाउंड्स को इनकी फॉस्फोरिलेशन करवाएगा. जब इनकी फॉस्फोरिलेशन होगी तो फिर ये जाकर के सेलर इंट्रा सेलर जो है मज़ीद ये जो प्रोटीन काइनेजेस होते हैं प्रोटीन काइनेजेस उनको एक्टिवेट करवाएगा. फिर साथ में कोई और जो इंट्रा सेलर जो फॉस्फेटेसिस होते हैं लाइफेसिस होते हैं काइनेजेस एंजाइम्स होते हैं उनको एक्टिवेट करवाएगा. तो इंट्रा सेलर जो एक्टिविटी है उसको ये गवर्न करवाएंगे. अभी मैंने जो बातें कही हैं इसको आप लोग ज़रा आसान अल्फाज में सुनिए कि मैंने क्या कहा यहाँ पर. पहले पहल आपका रिसेप्टर पर कोई लिगेंड जब आएगा, रिसेप्टर पर बाइंड करेगा, रिसेप्टर पर बाइंड करने के बाद जो रिसेप्टर हैं इसके जो दो यूनिट्स हैं, एक है अल्फ़ा और एक है बीटा, जिनके बीटा जो यूनिट्स हैं ये बीटा यूनिट्स क्या होंगे? ये दोनों आपस में आकर के अल्फ़ा और बीटा एक डाइमर बनाएंगे. डाइमर बनाने के बाद इनका जो रेजिड्यूज़ है टायरोसिन काइनेज रेजिड्यूज़, इन रेजिड्यूज़ पर क्या हो करेंगे? ये अपने आप को फॉस्फोराइलेट करवाएंगे. ऑटो फॉस्फोरिलेशन होगी. आफ्टर ऑटो फॉस्फोरिलेशन ये फिर इनसाइड द सेल कुछ और जो उसके जो सबस्ट्रेट होंगे उनको ये फॉस्फोरिलेट करवाएंगे, यानी कि उनमें फॉस्फेट को ऐड करवाएंगे. जब उनमें फॉस्फेट ऐड होगा फिर वो इंट्रासेलुलर और एक्टिविटीज़ को शो करेगा. सो दिस इज जस्ट लाइक द एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स मैकेनिज्म कि ये किस तरह मैकेनिज्म करवाते हैं यह करते हैं. बात सुनिएगा स्टार्टिंग से एंड तक वो कौन सी बात थी कि लिगेंड से लेकर के आपके रिसेप्टर और आपके फंक्शन तक. पहले लिगेंड बाइंड करेगा, पहला डैमर बनेगा. डैमर कब बनेगा? जब इनकी जो टायरोसिन काइनेज रेजिड्यूज़ हैं इनकी ऑटो फॉस्फोरिलेशन होगी. फिर उसके बाद ये क्या करेंगे? फिर जब इसकी पहले ऑटो फॉस्फोरिलेशन होगी फिर एक नेक्स्ट फॉस्फोरिलेशन करवाएंगे जो इंट्रासेलुलर इनके पास जो सबस्ट्रेट होंगे उनकी. फिर उनके साथ जो है वो फिर जब फॉस्फोरिलेट होंगे वो फिर जो इंट्रासेलुलर जो एक्टिविटीज़ हैं वो आगे गवर्न करेंगे. तो एक बात आपने जैसी करनी है स्टार्टिंग से एंड तक. फिर फर्स्ट क्या है कि डाइमर बनेगा. वो कैसे बनेगा? बाय मीन ऑफ ऑटो फॉस्फोरिलेशन फॉस्फेट एडिशन. और दूसरी बात ये कि एक और फॉस्फोरिलेशन होगी, दो फॉस्फोरिलेशन होगी. उसके जो दूसरी फॉस्फोरिलेशन है वो इंट्रासेलुलर एक्टिविटीज़ को आगे गवर्न करेगा चलाएगा.
dimer formation and two phosphorylation, यानी कि एक डाइमर बनेगा पहले स्टेप में, दूसरे स्टेप में आपने जो बात तैयार कर रखनी है कि वो इसकी अपनी फॉस्फोरिलेशन और एक इनसाइड द सेल फॉस्फोरिलेशन हो गया। अपनी फॉस्फोरिलेशन किसकी है? टायरोसिन रेजिड्यूज की। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टॉपिक दैट इज कॉल्ड एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर।